हरियाणा की सियासत में एक बड़ा नाम है अनिल विज। गब्बर और दाढ़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपने सिद्धांतों और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर पर भी सक्रिय रहते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। अंबाला में सुबह सवेरे आम लोगों के साथ चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। बैंक की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए, 6 बार विधायक निर्वाचित हुए, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। संपत्ति के नाम पर उनके पास विधायक के रूप में मिलने वाली जमा पूंजी ही है। अंबाला में एक घर है तो पंजाब के जीरकपुर में एक अपार्टमेंट में भी प्रॉपर्टी है। 2 गाड़ियों के मालिक हैं, उनकी सालाना इनकम करीब 25 से 30 लाख के करीब है। लाइफस्टाइल ऑफ लीडर सीरीज में हरियाणा की सियासत के इस बाकमाल राजनेता अनिल विज की कहानी पर एक नजर। अनिल विज का जन्म 15 मार्च 1953 को हुआ। अंबाला से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया। कम उम्र में ही पिता का साया सिर से उड़ गया, ऐसे में अपने 2 छोटे भाइयों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर आ गई। अनिल विज विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थे। 1969 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। संघ से जुड़ने के बाद ही अनिल विज ने फैसला कर लिया था कि वह विवाह नहीं करेंगे। साल 1974 में ही विज का चयन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। बैंक की नौकरी उन्हें अधिक समय तक रास नहीं आई। करीब 16 बरस की सरकारी सर्विस के बाद विज ने इस्तीफा दे दिया और सक्रिय सियासत में एंट्री की। 1990 में अंबाला कैंट में उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के दंगल में विज को उतारा। विज ने जीत दर्ज की और पहली बार विधानसभा में पहुंचे। इसी ही साल उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। 1991 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि साल 1996 के विधानसभा चुनाव में विज अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। साल 2000 के चुनाव में भी वे आजाद विधायक बनने में कामयाब हो गए। 2005 में भाजपा से चुनाव लड़ा और कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इसके बाद विज ने 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में जीत दर्ज कर हैट्रिक भी लगाई। विज की गिनती एक सिद्धांतवादी और सख्त राजनेता के रूप में होती है। अचानक अस्पताल में निरीक्षण करना, बैठक में ही अधिकारियों को फटकार लगाने से वे गुरेज नहीं करते हैं। अनिल विज की संपत्ति की बात करें तो अनिल विज के पास करीब 1,17,00,000 की चल अचल संपत्ति है। 2019 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के अनुसार उनके पास 2017 मॉडल की एक मारुति वेलेनो गाड़ी और करीब 7.5 लाख कीमत की डिजायर कार है। वहीं अंबाला की शास्त्री कॉलोनी में करीब 1908 स्क्वायर फीट का एक मकान है जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। जीरकपुर के विशांत विहार में 40 लाख कीमत का एक अपार्टमेंट है। अगर उनकी विज की सालाना इनकम की बात करें तो साल 2014-15 में उन्होंने अपनी इनकम 11.5 लाख रुपए दर्शाई। इसी प्रकार से 2015-16 में 23,20,000, 2016-17 में 23,62,000, 2017-18 में 33,18,000 रुपए और 2018-19 में 28,68,000 रुपए शो की। उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो अनिल विज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अंबाला कैंट में एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए जाते हैं, वहीं पर आम लोगों के बीच अखबार पढ़ते हैं, 1 घंटा बिताने के बाद घर आते हैं, वहीं हल्का व्यायाम करते हैं, नाश्ते में हल्का भोजन लेने के बाद वे समय पर अपने काम के लिए सचिवालय में पहुंच जाते हैं, सभी फाइलों को खुद चेक करते हैं, देर शाम तक काम करने की फितरत है, काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही वजह है कि उनके महकमे के कई अफसर और कर्मचारी भी विज की कार्यशैली से अक्सर सहमे हुए नजर आते हैं। विज लाभ लश्कर और तामझाम से दूर रहने वाले राजनेता हैं और अक्सर विवादित बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ लीडर सीरीज में आपको जानकारी दी विज के लाइफस्टाइल के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।